तो गुड मॉर्निंग गाइस, 6 बज रहे हैं और हमने करीब करीब 3 घंटे की नींद यहाँ पे पूरी कर ली है और बैटरी हमने जो छोड़ी थी 83% के आसपास तो उतनी ही है अभी और 223 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। बाकी हम यहाँ पे सोए थे, जो पानीपत का टोल है ना उसके पास में गाड़ी लगा के यहाँ पे सोए थे। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे और फिर देखते हैं कहाँ पे हम चार्ज करते हैं ईवी को। तो अभी चंडीगढ़ के अंदर एंटर हो रहे हैं हम, वो इसलिए क्योंकि हमारी गाड़ी बिल्कुल डिस हो रही है, 13% अभी बैटरी बची हुई है इसकी। तो आज फिर से सुबह सुबह एक और रिस्क ले लिया हमने, देखते जाओ अभी क्या क्या लेते हैं। 513 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं घर से, तो इतने किलोमीटर के अंदर हमने गाड़ी 2 बार चार्ज की है हमारी और अभी करेंगे हम 3री बार। इस ट्रिप का 3रा चार्जर आएगा एल&टी मॉल, अभी दिखा तो रहे वहाँ पे, बाकी पता नहीं है। अभी चल रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ चार्जर जो कि स्टेटिक कंपनी ने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं अपने। ये है 120 किलोवाट का, नीचे लिखा हुआ है 120 किलोवाट का चार्जर, तो आप सोच सकते हो कितना फास्ट है ये। फिर उधर आते हैं तो उधर दोनों अपने को मिलेंगे 60 किलोवाट, देन 60 किलोवाट, और अपन ने अपनी ईवी यहाँ पे खड़ी कर रखी है। और ये है बेसमेंट 2 जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई हुई है और सामने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको कैसे चार्ज करनी है। तो दोस्तों अभी मॉल में घूम के अभी अपन नीचे जा रहे हैं बेसमेंट के अंदर, और अपना है बेसमेंट 2 जहाँ पे अपन ने अपनी ईवी को चार्जिंग के अंदर लगा रखा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट मॉल है उसमें आपको 3 नंबर गेट से अंदर लेनी है अपनी गाड़ी और सीधा बेसमेंट 2 के अंदर आपको चार्जर मिलेगा स्टेटिक कंपनी का। अपनी ईवी फुल चार्ज हो गई है तो इसको हटा के मशीन में लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कितनी क्या रेंज आई है अपनी गाड़ी के अंदर और फिर चलते हैं सीधा यहाँ से आगे। तो अभी एल&टी मॉल के अंदर से निकल रहे हैं, यहाँ से अपनी गाड़ी पूरी चार्ज हो गई है 100%। तो अभी 100% के अंदर अपने को रेंज दिखा रही है 321 किलोमीटर और वो भी इको मोड के अंदर, और अभी तक अपन चल चुके हैं 519 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से निकलते हैं मॉल के अंदर से, यहाँ से एग्जिट लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के। चंडीगढ़ से थोड़ा सा निकले हैं सिटी से बाहर और यहाँ पे थोड़े से एक ढाबे हैं लेफ्ट साइड के अंदर, तो यहाँ पे अभी पेटीज़ मंगाया है तो पेटीज़ खाते हैं उसके बाद भी निकलते हैं। अपन 2 दिन से जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, चार्जर ढूंढ रहे थे, चार्जर मिल नहीं रहे थे, बार बार चार्ज कर रहे थे सिर्फ यहाँ पे माउंटेंस के अंदर आने के लिए, तो फाइनली ये देख लो आप, वही जो कर्व्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे भैया बना रहे हैं मैगी अपने लिए, तो मैगी खाते हैं। तो अभी करीब 3 बज गए हैं और 54% बची हुई है बैटरी, 163 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और 610 किलोमीटर अपन चल चुके हैं। शिमला से पहले हमने मैगी बनवाई है भैया से, जो कि है यहाँ पे श्री राम चाट भंडार के नाम से। तो अभी मैगी फिनिश करते हैं और ये है अपनी गाड़ी नेक्सॉन ईवी, तो अपनी गाड़ी के साथ खा रहे हैं, बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बस मैगी फिनिश करते हैं उसके बाद में निकलेंगे आगे, और इन नज़ारों के साथ में मैगी का तो स्वाद ही अलग है। कहाँ पे ये गांव में रहने वाले बच्चे कहाँ पे लड्डू का टेस्ट ले रहे हैं, आए हाय आए हाय, मजा आ गया।
तो श्रीचंद जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बिल्कुल एक नंबर, बढ़िया एक नंबर, मजा आ गया लाइफ में, पहला एक्सपीरियंस आपका? बहुत पहला एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ गया। आपको सरकार? बहुत मजा आया। कितना का आया? जबरदस्त मजा, जबरदस्त, लाइफ में पहली बार देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। अभी हम हैं शिमला से जो नारकंडा वाला रूट जाता है कुफरी होके और ठियोग होके, तो अभी हम उस रूट पे हैं। तो आगे एक टाटा का चार्जर है जो कि आपको ठियोग में मिलेगा, अभी तक हमने भी ऑनलाइन ही देखा है, हमारे को पता नहीं है क्लियर, तो वहाँ पे जाके ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। तो अभी रोड पे ही खड़े हैं और अपनी ईवी पीछे खड़ी है, तो इधर से क्या है काफ़ी धूप आ रही है, तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है और आगे भी मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा रहने वाला है हमारा। ईवी को लेके जो काफ़ी लोग डर रहे थे, वो उनका डरना अभी जायज़ नहीं है क्योंकि हर जगह चार्जर हो गया है, तो चार्जिंग का इशू नहीं आएगा कहीं को, कहीं भी नहीं आएगा अभी चार्जिंग इशू। हमने अभी तक के ट्रिप में 3 बार चार्ज की है ईवी को। गाइस यहाँ पे बर्फ देख लो, बर्फ स्टार्ट हो गई है यहाँ पे और बर्फ के साथ साथ ब्लैक आइस भी स्टार्ट हो गई है, ये देखो सामने, ओहो क्या ही नज़ारे हैं। और अभी अपन हैं कुफरी के अंदर और यहाँ पे अपने को नीचे मिलेगी ब्लैक आइस, फुल ब्लैक आइस, ये देखो ब्लैक आइस ही ब्लैक आइस, और साइड में देखो क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ओए होए, ओए भाई ऊपर देखो, ऊपर देखो क्या ही नज़ारे हैं, फुल बर्फ, फुल बर्फ, मजे आ गए मजे, आज तो पूरा जन्नत जन्नत सा हो गया, मजे आ गए मजे। और अपनी नेक्सॉन ईवी, लव यू मेरी जान, तूने कर दिखाया, ये देखो इधर क्या ही बर्फ के नजारे हैं, एक साइड में फुल बर्फ है। अभी थोड़ा सा अपन इसको बर्फ पिक के ऊपर चला के ट्राई करते हैं कैसा क्या ट्रैक्शन पकड़ती है गाड़ी। देखो ये है नज़ारे यहाँ के। तो अब ये टाइम करीब 5:20 हो गए हैं और अपनी नेक्सॉन ईवी अभी कितना परसेंटेज बची हुई है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ओहो हो इतनी बर्फ, ओहो बस के ऊपर भी बर्फ, 25% बची हुई है गाइस, 25% ओनली। और देखो यहाँ के नज़ारे, फुल फुल बर्फ है, फुल फुल मस्ती में, फुल मस्ती में, ये देखो क्या ही नज़ारे, क्या ही नज़ारे, इनको हम मिस कर रहे थे इतने दिनों से। चलो अभी दिखाते हैं आपको और भी अच्छे से। तो भाई कुफरी पहुंच गए हम और मेरे पीछे देख रहे होगे आप, अपनी नेक्सॉन है वो यहाँ पे खड़ी कर दी है हमने। तो अभी ब्लैक आइस पे थोड़ा सा हमने ट्राई किया तो भाई फेल है अभी, तो ब्लैक आइस पे देखो 4x4 भी होगी तो पिछलेगी गाड़ी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, थोड़े से फ़ोटो वगैरह लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से आगे। मेरे ख्याल से ठियोग के अंदर भी हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम होगी इस ब्लैक आइस के चलते, क्योंकि अगर वहाँ पर रास्ता क्लीन नहीं है तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अपने को, और ऐसी कंडीशन में हम इसको उतार भी नहीं सकते, बर्फ़ के अंदर तो नहीं उतार सकते इसको। तो चलो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, वो सारा अभी आपको बता देंगे। तो अभी फ़ोटो वगैरह लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं बर्फ़ को। तो गाइस अभी हम ठियोग निकल चुके हैं यहाँ से कुफरी से, और रोड पे देखो ब्लैक आइस जमी हुई है ख़तरनाक, और हमारी गाड़ी स्किड कर रही है यहाँ पे, साइड में देखो आप कितनी स्नो है यहाँ पे, और एक तरह से अपनी ईवी का ये स्नो ड्राइव एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे को काफ़ी अच्छे वाला। तो अभी फटाफट से अपने को जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे यहाँ पे रोड पे ब्लैक आइस ज़्यादा जमने लग जाएगी। तो अभी देखो सामने नज़ारे आप, पूरा फुल स्नो से कवर्ड है ये पूरा माउंटेन इधर वाला। तो अभी यहाँ पे ठियोग के अंदर ताज होटल के अंदर ये चार्जिंग की सुविधा एक और हमारे को मिल रही है जो कि लास्ट है, इसके बाद में आपको सुविधा नहीं मिलेगी आगे चार्जिंग की। तो यहाँ से हम एक बार फुल कर रहे हैं हमारी गाड़ी को, 43% हो गई है गाड़ी अपनी। तो यहाँ पे फाइनली अपन ने चार्ज कर ली है 81% और 251 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। देखो गाइस यहाँ पे फुल ब्लैक आइज है जिसके ऊपर अभी अपन उतर रहे हैं, तो ये पैच काफ़ी रिस्की रहने वाला है
और आगे भी काफी रिस्की रहेगा हमारे लिए, जो कि नारकंडा की तरफ हम होटल लेंगे ना तो वो भी काफी रिस्की रहेगा हमारे लिए। तो फाइनली अपने को होटल मिल गई है यहाँ पे, होटल अभी नहीं खुली है ये। तो यहाँ से अपन ने गाड़ी ऊपर चढ़ाई है, यहाँ से चढ़ा के यहाँ पे लगा दी है, और सुबह का व्यू आप सभी को सुबह दिखाएंगे। बाकी होटल काफ़ी अच्छे प्राइस में मिली है हमारे को, और जस्ट ताज होटल से 200 मीटर पहले ही है। तो अभी दिखाते हैं रूम वगैरह कैसा क्या है, चलते हैं फटाफट अंदर। ये है कुछ रूम टूर, और एक अपने को इधर मिला है, एक बेड यहाँ पे है, और ये बहुत बड़ा सा यहाँ पे लेट बाथ हमारे को मिला है विद गीजर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है यहाँ का। तो अभी सामान वगैरह सब इकट्ठा करते हैं, रखते हैं अंदर, और कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। कपड़े मैंने तो हाथ में ले रखे हैं, सामने टीवी भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई अभी फाइनली रूम के अंदर आ गए, और आज का अपना एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। और आप सभी कमेंट करके बताना कैसा क्या लग रहा है आपको, वीडियोज़ कैसे क्या लग रहे हैं। बाकी जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो अभी देखो हाथ में कपड़े ले रखे हैं, और अभी चेंज करते हैं, उसके बाद में खाना वगैरह खाएंगे, और मेरे को तो अभी एडिटिंग भी करनी है। तो चलो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सुबह यहाँ के जो नज़ारे हैं बाहर से, होटल के बाहर से, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी होटल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, नाम है भैया के, जो नंबर वगैरह हैं, कितना क्या चार्ज लेंगे आपसे, वो सारा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। टाटा बाय बाय, गुड नाइट ऑल माय यूट्यूब फैमिली।